लास्ट क्लास में एग्जांपल नंबर 23 हमने सॉल्व किया था, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा किसी अवयव का इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, इसको करके दिखाया मैंने। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी किया और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी करके दिखाया। आज हम लोग एग्जांपल नंबर 24 करेंगे। तो क्या करना चाहेंगे एग्जांपल नंबर 24 पर, आप बताइए, डिसाइड करिए कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, रो वाला कॉलम वाला, बताएं जल्दी, रो वाला। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर यूज करोगे तो आपको क्या लिखना होता है, बताइए। ए इज इक्वल टू आई इन टू ए की जगह पर हमको ये लिखना है 0 1 2, फिर 1 2 3, 3 1 1, और आई की जगह पर 1 0 0। सेम ऑर्डर की लेनी पड़ेगी 3x3 की, 0 1 0 0 0 1, और इसको ऐसा ही लिख देंगे जैसा ये है, ए का पूरा ए ही लिख देंगे, इसकी जगह पर हम ये मैट्रिक्स नहीं नोट करेंगे। अब अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए सॉल्व करते करते इसको क्या बनाना है बताओ, आई बना देना है, और वही ऑपरेशन इसमें भी लगाते जाइएगा, और जब ये आई बन जाएगा तो जो भी यहां पर आएगा वो ए का इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करा जाए आई बनाने के लिए, सबसे पहले इसको अगर इसमें हम इसको ऐड कर दें तो भी यहां 1 बन जाएगा, आइडेंटिटी बनाना है ना आपको, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो अगर हम इसमें इसको ऐड कर देंगे तो यहां 1 आ जाएगा, लेकिन इस लाइन में एक जो 0 बना है वो बिगड़ जाएगा। एक काम कर दो आप, इसको और इसको इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करने से क्या होगा, यहां 1 आ जाएगा और यहां 0 आ जाएगा, कोई चीज बिगड़ेगी नहीं, दोनों मतलब बन ही जाएगा दोनों बार। तो हम एक काम कर देते हैं, किसको किसको इंटरचेंज करना है, R1 इंटरचेंज्ड विथ R2, R1 और R2 दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, देखिएगा। तो यहां R1 उठा के R2 यहां लिख देंगे और R1 को नीचे लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा 0 1 2। पहला रूल ये बताया गया था ना करने का, इसके बाद ये 3 1 1, यही एक्शन आप इसमें कर दीजिए, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई ए, ऐसा हो गया। अब इसके बाद यहां 1 बन गया, यहां 0 बन गया, हमको यहां भी 0 चाहिए, तो एक काम कर दो कि R2 में 2 से मल्टीप्लाई करवा दो और फिर R1 में उसको माइनस कर दो। देखिए मैं लिखता हूं R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2, R1 में R2 का डबल करके माइनस कर दो, देखिए। और लिखा कहां जाएगा R1 में, तो R2 और R3 अनचेंज्ड रहेंगी, केवल R1 चेंज होगी, और उसमें क्या लिखेंगे, R2 का 2 गुना करेंगे, जो आएगा उसे R1 में माइनस कर देंगे। तो R2 0 का 2 गुना करो, उसे 1 में माइनस कर दो 1, 1 का 2 गुना करो 2, उसे इस 2 में माइनस कर दो 0, 2 को 2 गुना करो 4, को 3 में माइनस कर दो 4, को 3 में माइनस करना है -1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बाकी तो ऐसे ही रहेंगे 0 1 2 3 1 1, इसके बाद इसमें भी यही हमको करना है, इसको डबल करिए 2, 0 में 2 माइनस कर दो, इसका डबल करो 0, 0 को 1 में माइनस कर दो, इसको डबल करो 0, 0 को 0 में माइनस कर दो 0,
फिर 100001 मल्टीप्लाइड बाई ए। यहां तक हम लोग पहुंच गए। देखो यहां 10, यहां भी 10 बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको भी जीरो बनाना है। देखो तो ऐसा ना कर दिया जाए, इसका 3 गुना करके और इसमें माइनस कर दिया जाए तो ये भी जीरो बन जाएगा और ऐसी कहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि रो में ही हमको करना है। ठीक है, यही एक एक्शन ज्यादा अच्छा रहेगा तो हम कर देते हैं। आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन, आर वन का 3 गुना करो, उसे आर थ्री में माइनस कर दो। तो कहां लिखा जाएगा आर थ्री में, आर वन और आर टू तो अनचेंज्ड रहेंगे तो आर वन और आर टू हम पहले नोट कर देते हैं। जरा देखिए 10-1 10-1 0-1-2 0-1-2। अब आर वन का 3 गुना करिए तो 1 को 3 टाइम्स करेंगे क्या आएगा 3, उस 3 को इस 3 में माइनस कर देंगे 0 बन जाएगा। 0 को 3 टाइम्स करिए 0, उस 0 को 1 में माइनस कर दीजिए तो 1 रहेगा। माइनस 1 को 3 टाइम्स करिए माइनस 3, उस माइनस 3 को 1 में माइनस कर दीजिए तो 1 माइनस माइनस 3 ये बन जाएगा 4। यही इसमें करिए इधर वाली में, तो फर्स्ट और सेकंड रो तो अनचेंज्ड रहेंगी। माइनस 2 10100 माइनस 2 10100, इसके बाद 001 001 मल्टीप्लाइड बाई ए। अब ओ थर्ड रो चेंज होगी। ठीक ठीक, मैंने चेंज ही नहीं किया। और आर वन में 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6 बना, उस माइनस 6 को 0 में माइनस करेंगे तो 6, 1 को 3 टाइम्स करिए 3, 0 में 3 माइनस कर दो माइनस 3, 0 का 3 गुना करो 0, 1 में माइनस कर दो 1, ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं सोचिए। इसमें आप एक काम कर दीजिए, R3 में R2 को माइनस कर दीजिए। तो जब R3 में R2 को माइनस करेंगे तो यहां भी क्या आ जाएगा 0, और ये 0 का 0 बना रहेगा, कुछ डिस्टर्ब भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक काम कर देते हैं, R3 changes to R3 minus R2, ये R3 है, रो 3 में रो 2 को माइनस कर देंगे और रो 3 में लिखेंगे तो R3 में लिखा जाएगा R1 और R2 अनचेंज्ड रहेंगे, ये 10-1 0-1-2। अब 0 में 0 माइनस करिए 0, 1 में 1 माइनस करिए 0, 4 में 2 माइनस करिए 2। R1 और R2 अनचेंज्ड रहेंगे तो माइनस 2 10 100 6 में 1 माइनस करिए 5, माइनस 3 में 0 माइनस करिए माइनस 3, 1 में 0 माइनस करिए 1 मल्टीप्लाइड बाय ए। अब हम यहां तक पहुंच गए। अब हमको एक काम कर देना चाहिए, R2 में R3 माइनस कर देना चाहिए तो ये 2 में 2 माइनस होगा, यहां 0 बना लेगा। ठीक रहेगा, तो अब हम एक काम कर देते हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, R2 में लिखा जाएगा और R2 में R3 को माइनस करके लिखा जाएगा, यानी कि R1 तो बदलेगी नहीं तो 10-1। अब R2 में R3 माइनस करते जाओ तो 0, 1 में 0 माइनस करोगे 1, 2 में 2 माइनस करोगे 0, 0-0-2। ठीक है, इसके बाद यही एक्शन इसमें आपको करना है। तो माइनस 2 10, इसमें इसको माइनस करना है, 1 में से 5 माइनस हो गए माइनस 4, 0 में से माइनस 3 माइनस करोगे प्लस 3, 0 में 1 माइनस करोगे माइनस 1, और ये जो थर्ड रो है
5 माइनस 3 1, ये भी अनचेंज्ड रहेगी। अब क्या बचा हुआ है, इसको 0 बनाना बचा और इसको 1 बनाना बचा है। हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड। ये जो थर्ड रो है इसको 2 से डिवाइड कर दो तो यहां 1 बन जाएगा, और फिर उसके बाद इसमें इसको ऐड कर देना तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक रहेगा? ठीक। तो हम लोग क्या कर देते हैं, R2 changes to 1 by 2 multiplied by R2. Oh, sorry, R3 में करना है ना, R3 changes to 1 by 2 multiplied by R3. R3 को 1 by 2 से multiply कर दो, या आप ये समझ लो कि R3 को हम 2 से divide कर दे रहे हैं। कर दीजिए, देखो क्या मिलेगा आपको। R1 और R2 तो नहीं बदलेंगे ना, तो R1 और R2 ऐसे ही नोट कर देते हैं हम। 10 माइनस 1 010 010, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 001 बन जाएगा, 001। इसके बाद यहां पर भी ये काम करिए, तो R2 और R1 तो अनचेंज्ड रहेगी। -43 माइनस 1 अब इसमें 2 से डिवाइड किया गया है R3 में, तो 5 by 3, फिर माइनस 1, 5 by 3 सॉरी माइनस 3 by 2 आएगा। आई एम सॉरी, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, मेरे दिमाग में 3 बसा हुआ है। 2 से डिवाइड करें तो 5 by 2 माइनस 3 by 2, और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाई ए। अब इसका आइडेंटिटी बनने में बस एक कदम की दूरी है कि आप R1 में R3 को ऐड कर दीजिए। बस R1 changes to R1 plus R3, R1 में R3 को ऐड करो और R1 में लिख दो। देखो R1 में R3 को ऐड करना, तो 1 में 0 को ऐड करो 1, 0 में 0 को ऐड करो 0, माइनस 1 में 1 को ऐड करोगे 0, बाकी तो अनचेंज्ड रहेगी। यही काम आपको राइट हैंड साइड में इसमें करना है, इसमें इसको ऐड करो, माइनस 2 प्लस 5 by 2 प्लस हाफ, ऐसे तो होगा। माइनस टू है और प्लस 5 by 2 है, मतलब प्लस ढाई, और ढाई में 2 माइनस करोगे तो आधा बचेगा, तो प्लस हाफ बच जाएगा, 1 by 2। फिर 1 में इसको माइनस नहीं सॉरी प्लस करना है, तो ये 1 है और ये माइनस का 3/2, यानी कि माइनस का डेढ़, माइनस डेढ़ में 1 माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ। 0 में इसको ऐड करना है, प्लस हाफ। बाकी चीजें तो अनचेंज रहेंगी, बाकी सारे एलिमेंट्स सेम रहेंगे। 5 by 2 माइनस 3 by 2 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाई ए। और देखो हमने इसको इस तरह से सॉल्व करे, ऐसे किया कि लास्ट में इसको क्या बना दिया, आइडेंटिटी। और जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो ये वाली मैट्रिक्स ए का क्या होगी, देयर फोर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 by 2 माइनस 1 by 2 प्लस 1 by 2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 5 by 2 माइनस 3 by 2 1 by 2। ऐसा ये ए इनवर्स की वैल्यू निकल करके आ गई। आपको नहीं समझ में आया, तो इस तरह से ए इनवर्स निकालते हैं। चेक कर लेते हैं इसको एक बार, 1 by 2 माइनस 1 by 2 1 by 2 माइनस 4 3 माइनस 1 5 by 2 माइनस 3 by 2 1 by 2। और आप चाहें तो इसे ही और कैसे कर सकते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से, अब वो आप ट्राई करेंगे, वो मैं नहीं करूंगा। अब आ जाते हैं सीधे एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 3.4। नो, अभी एक एग्जांपल है 25 नंबर, ठीक है, नोट करिए इसको, इसके बाद 25 करते बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एग्जांपल नंबर 25 है। P एक मैट्रिक्स दिया गया है 10 माइनस 2 माइनस 5 1 बोला गया, तो P इनवर्स ज्ञात करिए यदि इसका अस्तित्व है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, P इनवर्स ज्ञात करना है, बताइए कौन सा ऑपरेशन लगाना पसंद करेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन।
एक बार रो एक बार कॉलम ऐसे लगाओ ताकि दोनों मेथड आपको क्लियर रहे, ठीक है। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जब लगाते हैं तो कैसे लिखेंगे बता सकते हैं आप मुझे? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो ए इज इक्वल टू ए आई, तो पी इज इक्वल टू पी इंटू आई। नहीं समझ आया? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या लिखना बताया गया था आपको? बड़ी जल्दी भूल जाते हैं भाई आप। ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में ए इज इक्वल टू ए आई बताया गया था, याद है ना आपको? तो हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं और मैट्रिक्स हमारी पी है, तो पी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई आई। अब पी की जगह वैल्यू लिख देंगे 10 माइनस 2 माइनस 5 1 इज इक्वल टू, पी को तो ऐसा ही लिखे रहने देंगे, इसको 1001 कर देंगे। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमें ये करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है इधर वाली को। सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं बेटा, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं आर वन को, सॉरी कॉलम में ले रहे हैं ना, तो ऐसा ले लो फर्स्ट कॉलम को 5 से या माइनस 5 से डिवाइड कर दो। देखिए C1 changes to 1 upon minus 5 C1, क्या मतलब है इसका? देखो C1 में माइनस 5 का हम भाग दिए दे रहे हैं, ये C1 में माइनस 5 किससे भाग करिए, माइनस 5 का इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2, माइनस 5 से इसमें भाग करिए तो कितना आएगा 1, और यहां पर क्या है माइनस 2 1 इज इक्वल टू पी। यही चेंज इसमें भी करिए, C1 में माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 बाई 5 0 0 1। एक चीज बेटा मैं आपको बताऊं, जब आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो और ऐसी सिचुएशन पे उसके कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो, जैसे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आप लगा रहे हैं और ऐसे सिचुएशन पे कोई दो कॉलम बराबर हो गए, उसके आइडेंटिकल हो गए, तो आप समझ जाइएगा कि इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अर्थात इस आव्यूह का जो व्युत्क्रम है उसका अस्तित्व नहीं है। समझ रहे हैं आप? फिर से सुनिए, आप कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे थे? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। ऐसा करते करते चले गए तो हम एक जगह क्या देखते हैं कि यहां पर तो दोनों कॉलम आपस में कैसे हो गए बराबर, देख लो ना, माइनस टू वन माइनस टू वन, बोथ द कॉलम्स आर इक्वल टू ईच अदर। देन इन दिस सिचुएशन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इस आव्यूह का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते आप, इसके इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। और याद करिए वो वाला पॉइंट जब आपको बताया गया था, वर्ग आव्यूह का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और वर्ग आव्यूह का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, इसका नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्योंकि C1 और C2 दोनों आपस में कैसे हो गए हैं, सर्वसम हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, अतः दिए गए आव्यूह P का इनवर्स, दिए गए आव्यूह P के इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। देखिए या हम लिख सकते हैं क्योंकि C1 इज इक्वल टू C2, पूरा का पूरा C1 और C2, या आप ऐसे लिख दो C1 व C2, C1 व C2 सर्वसम है, आइडेंटिकल है, अतः दिए गए आव्यूह पी के व्युतक्रम, दिए गए आव्यूह पी के व्युतक्रम, दिए गए आव्यूह पी के व्युतक्रम का अस्तित्व नहीं है।
अस्तित्व तो नहीं है, अर्थात पी इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात पी इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आगे के लिए ये वाला रूल आप याद करके रखेंगे, ठीक है, कि आप सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते करते इधर वाली मैट्रिक्स के कोई दो कॉलम्स अगर बराबर हो गए हैं, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे थे और कोई दो रो बराबर हो गई हैं, तो फिर उसका इनवर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करिए। प्रारंभिक रूपांतरण मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन के मेथड से ज्ञात करना है। पहला हमारा जो मैट्रिक्स दिया गया दैट इज 1-1, 2, 3, ठीक है, इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे बताएं, कौन सा ऑपरेशन लगा दिया जाए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा लो। अब सबसे पहले लिखोगे कैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में, a इज इक्वल टू आई इन टू ए, ए की जगह पर हम लिखेंगे 1-1, 2, 3 इज इक्वल टू आई की जगह 1001 मल्टीप्लाइड बाई ए। अब स्टार्ट करिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कैसे बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, रो ऑपरेशन कर रहे हैं, एक काम करिए R1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, R2 में माइनस कर दीजिए, R2 चेंजेस 2, R2 माइनस 2R1, R1 सेम रहेगी बिल्कुल वही, इस R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 माइनस कर देंगे, तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 आएगा, उस 2 को इस 2 में माइनस कर दीजिए 0, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए माइनस 2, फिर 3 में माइनस 2 को माइनस कर दीजिए तो प्लस 5 बन जाएगा। ऐसा ही फर्स्ट रो तो अनचेंज्ड रहेगी, इसमें 2 का गुणा करिए 0 में माइनस करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 0 आएगा, उस 0 को 1 में माइनस कर दीजिए तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ए, ये 0 बना लिया। अब इसको हमने 0 बनाना है, एक काम कर दो सेकेंड रो में 5 से डिवाइड कर दो आप, आर टू चेंजेस 2, 1/5 इंटू आर टू, R2 में 5 से भाग कर देते हैं, देखो R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, R2 0 में 5 से भाग देंगे 0, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 इज इक्वल टू 1 0, इसमें 5 से डिवाइड करिए -2/5, ये 1/5 मल्टीप्लाइड बाई ए। इसके बाद अब इसमें इसको ऐड कर देना है बस, तो आपको क्या करना है, R1 चेंजेस टू आर वन प्लस आर टू, आर वन में आर टू एड करिए, जो आए उसे आर वन में नोट कर दीजिए, आर वन में आर टू एड करना, वन में जीरो एड होगा तो वन, माइनस वन में वन एड होगा तो जीरो, सेकेंड रो क्या है 0 1 इज इक्वल टू, इसमें इसको प्लस करिए, तो एक में माइनस 2/5 प्लस करने हैं आपको, 3/5 आ जाएगा। ये तो आप करा लेते हैं ना, कि मैं करके दिखाया करूं अलग, आपको आ जाता है ना, अगर आपको ना आया करे ऐसे, तो जैसे हमें 1 में से -2/5 प्लस करने हैं, तो आप 1 प्लस -2/5, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2/5। अब इसके नीचे एक मान कैल्सियम ले लिया, 5-2, 3/5 तब नोट कर दो। तो कोई ये आपको बंधन नहीं है कि आप अगर ये कर रहे हैं तो ऐसा रफ नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं है, आपको जहां भी कठिनाई हो, जहां भी कोई प्रॉब्लम पड़े, आप रफ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें हमने इसको तो ऐड कर दिया, अब जीरो में 1/5 को ऐड करेंगे, 1/5 और सेकंड रो -2/5 और 1/5, ये ए रहेगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, अगर ये आइडेंटिटी बन गई है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा,
देयरफॉर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 3/5 माइनस 2/5 1/5 1/5। ठीक है, ये ए इनवर्स की वैल्यू आपकी हो गई। नहीं समझ में आई बात आपको? आ गई? तो ऐसे ए इनवर्स ज्ञात हो गया 2/2 का, और 2/2 के ए इनवर्स ज्ञात करना तो थोड़ा इजी है, तो आप इसको करें। अगर आपको लगता है नहीं आएगा, या आपने किया है अभी, किया है सभी लोगों ने? सब ने किया, अभी नहीं किया सब लोगों ने? चलिए ठीक है, आप इसे नोट करें, इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पर आते हैं। बेटा देखें एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स है 2 1 1 1। देखिए इसके पहले भी 2-3 क्वेश्चन आप कर चुके हैं इनवर्स फाइंड आउट करने के, तो इसे आप सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो हमको बताएंगे, नहीं तो इसे आप अपने आप से कर लीजिए। ठीक है, ओके, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे। इससे पहले कौन सा लगाया था हमने? कॉलम रो लगाया था उसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो फर्स्ट रो का था, ये कॉलम, और इसको रो से करते हैं, कॉलम से करते हैं, चलिए रो से कर देते हैं। अच्छा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए बेटा 1327 ये क्वेश्चन है हमारा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है। लिखना कैसे है बताइए? a इज इक्वल टू आई ए 1327, आई की जगह 1001 मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, चलिए बताइए क्या तरकीब लगा सकते हैं। ऐसा करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें माइनस कर देते हैं, तो ये 0 बन जाएगा। R2 changes to, R2 changes to R2 minus 2R1. R1 को दोगुना करेंगे, जो आएगा उससे R2 में माइनस कर देंगे, और R2 में लिखा जाएगा तो R1 तो अनचेंज्ड रहेगा। अब R1 का दोगुना करें कितना आएगा बताइए? 2 आएगा, उस 2 को इस 2 में माइनस कर देंगे। 3 इसको डबल करिए, 6 को 7 में माइनस करिए, 1 इज इक्वल टू आर वन अनचेंज्ड रहेगी, इसका डबल करिए 2 आया, 2 को 0 में माइनस करेंगे माइनस 2, 0 का डबल करिए 0 रहेगा, उसे 1 में माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब एक काम करिए, R2 का 3 टाइम्स करिए, R1 में माइनस कर दीजिए। ठीक है, R1 changes to R1 minus 3R2, R2 का 3 गुना करेंगे, जो कुछ मिलेगा उसे R1 में से माइनस कर देंगे। चलिए कर लीजिए, R1 में लिखना है ना, हाँ, R2 का 3 गुना करो, 0 का 3 गुना कितना आएगा? 0, उसे 1 में माइनस कर दो 1, इसका 3 टाइम्स करिए 3, उसको 3 में माइनस कर दीजिए 0, और ये ऐसे ही रहेगी, इसका 3 टाइम्स करिए माइनस 6, फिर 1 में से माइनस 6 को माइनस कर दीजिए 7, इसका 3 टाइम्स करिए 3, 0 में 3 माइनस कर दीजिए माइनस 3, ये अनचेंज्ड रहेगी किंतु a। अब देखो बेटा ये सॉल्व करते करते आइडेंटिटी बन चुकी है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये चीज क्या बन गई? a इनवर्स। देयरफॉर a इनवर्स विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 2 1। ओके, दिस इज ए इनवर्स क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे है a इज इक्वल टू 2 3 5 7, 2 3 5 7 ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप कैसे करेंगे? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन में क्या लिखना पड़ेगा? a इज इक्वल टू ए आई। ठीक है,
एक ही जगह पर हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7, एक ही जगह तो ए लिखा रहने देंगे, आई की जगह 1001, ये इस तरह से कर देंगे। अब हमें इसको कैलकुलेट करके इसको आइडेंटिटी बनाना है, वो भी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है। क्या किया जा सकता है बताइए भाई, डायरेक्ट तो कहीं भी 01 नहीं बनता नजर आ रहा है, इसमें इसको माइनस कर दिया जाए, C2 में C1 को माइनस कर देंगे तो यहां 1 बन जाएगा, यहां 2 बन जाएगा, डायरेक्ट तो 0 कहीं नहीं हो रहा, देखो देख रहे हैं ना आप। हाँ बताइए, आप कुछ मेथड बता रहे थे क्या? डायरेक्ट तो कोई भी एलिमेंट अभी 0 नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं पहले। तो हमने एक काम किया, C2 changes to C2 minus C1, C2 में C1 को माइनस करेंगे, C1 अनचेंज्ड रहेगा, अब इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, 7 में 5 माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, इज इक्वल टू ए 1 0, 0 में 1 माइनस करेंगे -1, 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है भाई, इसने इसको माइनस कर दीजिए तो यहां पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना, या आप इसमें ऐसा करो 2R1 में R2 माइनस कर दो, ओ सॉरी कॉलम में हम लोग कर रहे हैं, मैं भूल ही गया, देखो तो फिर एक काम करो C1 में C2 माइनस कर दो, C1 changes to C1 minus C2, ठीक है करिए, C1 में C2, 2 में 1 माइनस करेंगे 1, 5 में 2 माइनस करेंगे 3, ये 1 और 2 बना रहेगा, A multiplied by, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें इससे माइनस करेंगे तो -1, ये -1 और ये 1, ओके। अब इसको और कुछ करना है ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए, ऐसा कर देना इसमें इसको माइनस कर देते, C2 में C1 को माइनस कर दो तो यहां 0 आ जाएगा ना, और C1 में C2 माइनस करोगे तो यहां 0 आ जाएगा, जबकि यहां तो हमको 1 लाना है, समझ रहे हैं, तो ये गलती ना करें फिर, C2 में C1 माइनस कर देते हैं, C2 changes to C2 minus C1, ठीक है। चलिए C1 तो हमारा अनचेंज्ड रहेगा तो 1, 3 हमने लिख दिया, अब C2 में C1 माइनस करना है, 1 में 1 माइनस करो 0, 2 में 3 माइनस कर लो -1, नहीं समझ आया? अच्छा इसके बाद बस ये हो गया, अब राइट हैंड साइड पर आइए, तो C1 तो कुछ बदलेगा नहीं, 2 माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 ही रहेगा, C2 में C1 माइनस करो, -1 में 2 माइनस करेंगे, -1 में 2 माइनस करेंगे -3, और 1 में -1 को माइनस करिए 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हमने 0 बनाना है तो हम एक काम करते हैं, इसका 3 टाइम्स करके इसमें ऐड कर देते हैं, देखो C1 changes to C1 plus 3C2, इस C2 को 3 गुना करेंगे और C1 में जोड़ देंगे, क्या मिलेगा देखो, इसका 3 गुना करोगे कितना आएगा 0, 0 को 1 में ऐड कर दोगे 1, इसका 3 टाइम्स करोगे कितना आएगा -3, -3 को 3 में ऐड कर दोगे 0, और ये इसका जो C2 रहेगा वो अनचेंज्ड रहेगा। अब इसका 3 टाइम्स करिए, -3 का 3 टाइम्स करेंगे कितना आएगा -9, -9 को 2 में ऐड करिए -7, इसको 3 टाइम्स करिए 6, 6 -1 में ऐड करेंगे 5, C2 अनचेंज्ड रहेगा तो -3 2। अब हम जो C2 है ना उसमें -1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, C2 changes to -1 multiplied by C2, C2 में -1 का गुणा करा के C2 में नोट कर देंगे,
सी वन अनचेंज्ड रहेगा, इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा जीरो, इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा प्लस वन इज इक्वल टू ए, माइनस सेवन फाइव, इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री माइनस टू, और क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई है देयरफॉर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू माइनस सेवन फाइव थ्री माइनस टू। ये इनवर्स मैट्रिक्स आ गया आपके क्वेश्चन नंबर फोर का। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चन लगेंगे इनका कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता, मेथड सिर्फ इतना ही है कि जब आप ऐसा लिखेंगे उसके बाद इसको क्या बनाना है आइडेंटिटी, और आपसे हमेशा गलत हो जाएगा अगर आप घर जाकर के एग्जाम टाइम पे ये रटने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो फोर है उसमें पहले ये किया गया था फिर ये किया गया था फिर ये किया गया था फिर ये तो आंसर आ गया था, आपसे हमेशा गलती हो जाएगी। तो आप सीखिए, सिर्फ प्रोसीजर सीखिए बस, आप ये मत देखिए कि पहले क्या किया हमने बाद में क्या किया फिर उसके बाद क्या किया है तो आंसर आ गया। ऐसे किन किन क्वेश्चंस का आप रटेंगे बताइए हमको, चार का रटेंगे, तीन का रटेंगे, दो का, 50 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सबका रट पाएंगे और वहां जाकर सारे नंबर ठीक है, यहां पांच कर दिया उन्होंने या यहां चार कर दिया, फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे ये तो हमने रटा ही नहीं है ना। तो कभी भी आप ध्यान रखिए कोई इस क्वेश्चन को मत रटे। आपको करना क्या है, जब आप ऐसा लिख देते हैं उसके बाद बस आप कुछ ध्यान मत दो, सिर्फ आपकी नजरों के सामने एक लक्ष्य होना चाहिए कि इसको हमको क्या बनाना है आइडेंटिटी, रो से बनाना है कि कॉलम से बनाना है, दिस यू विल हैव टू डिसाइड इट, और उसके बाद आप उसको एक स्टार्ट करिए, स्टार्ट करने के बाद इसको आइडेंटिटी बनाना है, कैसे बनाना है इसके प्रोसीजर रटे नहीं जाते हैं कभी, आप जैसी मर्जी आप करिए, बस कोई तरीका गलत यूज मत करिए, तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए गए उन्हीं में से यूज करते रहिए बस आप, ठीक है। तो ये हमने कौन सा कर दिया, फोर नंबर कर दिया हमने, ठीक है। आप इसके बाद इसे नोट कर ले, इसके बाद फाइव सिक्स सेवन और आगे आते हैं, नोट करिए बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव को हम प्रारंभिक क्या बोलते हैं इसको, प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा इसका ए इनवर्स निकालना है हमको। इससे पहले क्या लगाया था, एलिमेंट्री कॉलम, तो इसमें लगाते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बार एलिमेंट्री कॉलम लगाना है एक बार एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इट इज नॉट नेसेसरी एंड दिस इज नॉट एनी रूल। आप जैसे आपकी मर्जी जिस क्वेश्चन को जैसे भी लगाएं आप, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि 50% रो 50% कॉलम से करेंगे तो दोनों मेथड्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, मैं इसलिए कर रहा हूं। आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, बताइए क्या लिखा जाए, ए इज इक्वल टू आई ए, आप ऐसे याद कर लो, रो में ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है ऐसे याद कर लो, और कॉलम में उल्टा कर देना है। ओके ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 2174, I की जगह पर 1001 into A, ठीक है। अब बताइए अगर आपने लगाया है तो आपने रटा होगा कि यहां क्या करते हैं, नहीं रटा, ओके ये बहुत अच्छा किया आपने। तो आपने क्या रटा है, एक बात केवल रटनी है बस, कि कुछ भी करके इसको I बनाना है बस मुझे, और मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब तो आई बनाना है और रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो कैसे किया जाए भाई, ऐसा कर दिया जाए इसका तीन गुना करें और इसमें माइनस कर दिया जाए, ठीक है। यहां भी वन बन जाएगा, यहां भी वन बन जाएगा, ठीक रहेगा। कुछ भी करो यार, स्टार्ट तो करो पहले, कुछ भी करो हो जाएगा। आर टू चेंजेस टू R2 माइनस 3R1, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, R2 चेंज होगा, R1 सेम रहेगा, इसका 3 टाइम्स करोगे 2 का कितना आया 6, 7 में 6 माइनस हो जाएंगे 1, इसका 3 टाइम्स करोगे 3, 4 में 3 माइनस हो जाएंगे
वन इज इक्वल टू वन जीरो, इसका तीन गुना किया तीन आया, जीरो में तीन माइनस किए माइनस थ्री, यहां पर वन आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ए। अब आपको क्या लगता है क्या कर दिया जाए, आर वन में आर टू माइनस कर दो आप, आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस आर टू, आर वन में लिखा जाएगा आर वन में आर टू को माइनस कर दीजिए, आर वन में आर टू माइनस कर दीजिए, दो में एक माइनस कर देंगे एक, एक में एक माइनस कर देंगे जीरो, और ये वन और वन बना ही रहेगा। फिर आर वन में आर टू माइनस करेंगे, वन में से माइनस थ्री को माइनस करेंगे फोर, जीरो में वन माइनस करेंगे माइनस वन, और माइनस थ्री और ये वन, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद अब हम आर टू में आर वन माइनस करे दे रहे हैं, आर वन चेंजेस टू आर टू माइनस आर वन, आर टू में आर वन माइनस कर दीजिए, देखिए आर वन अनचेंज्ड रहेगा वन जीरो, आर टू में आर वन माइनस करेंगे जीरो, और यहां पर क्या बचेगा वन, आर वन अनचेंज्ड रहेगा फोर माइनस वन, माइनस थ्री में फोर माइनस करेंगे माइनस सेवन, वन में माइनस वन को माइनस करना है टू मल्टीप्लाइड बाई ए। अब देखो हमने इसको आइडेंटिटी बना लिया, और जैसे ही आइडेंटिटी बनेगा देन वी कैन राइट दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू फोर माइनस वन माइनस सेवन टू, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई आपकी। नहीं समझ में आया, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को करते हैं जरा, टू फाइव वन थ्री, ए इज इक्वल टू टू फाइव वन थ्री, क्या लगाना है बताइए, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए ए इज इक्वल टू ए आई, ए की जगह पर टू फाइव वन थ्री, ए की जगह पर ए ही लिखा रहेगा, आई की जगह पर लिखेंगे मैट्रिक्स को हम, ए की जगह पर ए आई वन जीरो जीरो वन, ठीक है बेटा। अब चलिए फिर से स्टार्ट करिए, क्या कर सकते हैं कॉलम में ही आप केवल ये यूज कर सकते हैं। एक काम करो, C1 का डबल करो, C2 में माइनस करो, C2 चेंजेस 2, और या तो इसका ट्रिपल करके इसमें माइनस कर दो, ट्रिपल करके माइनस कर दो, C2 माइनस 3C1, C2 में लिखा जाएगा C1 अनचेंज्ड रहेगा, इसका तीन गुना किया हमने छह बना, उस छह को पांच में माइनस कर दिया माइनस वन, इसका तीन गुना किया एक बना, उस एक थी सॉरी इसका तीन गुना किया तीन बना, उस तीन को इस तीन में माइनस कर दिया जीरो इज इक्वल टू वन वन जीरो जीरो वन, क्लियर। आप ध्यान से आप देख सकते हैं कि इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सी वन, ओ सॉरी इसको वन बनाना था ना हमको, अच्छा इसमें भी चेंज नहीं किया। चलिए तो हमने अभी कुछ गलतियां हो रही इसलिए इसको मत करो आप। देखो यहां पर क्या बनना चाहिए था वन, हमारा क्या बन रहा है जीरो, तो हम इसको नहीं करना चाहते क्योंकि हम यहां क्या बनाना चाहते हैं वन बनाना चाहते हैं, तो हम ये वाला इंटरचेंज नहीं करेंगे, इसको टू सी वन कर दो, देखो ठीक है। देखिए बेटा, हाँ अभी कोई कुछ बता रहा था इधर से, क्या करने के लिए बोला जा रहा था, क्या चीज, हाँ हाँ तो ये कर लेते हैं, पहले मेरे माइंड में आया था बट पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से उतर गया फिर। चलिए C1 में लिखा नहीं जाएगा तो 2 1, इसका दो गुना करिए कितना आएगा बेटा 4, 5 में 4 को माइनस करिए 1, इसका दो गुना करेंगे 2, 3 में 2 माइनस करिए 1 इज इक्वल टू ए 1 0, इसको डबल करेंगे तो कितना बनेगा 2, 0 में 2 माइनस करेंगे माइनस 2, इसको डबल करोगे 0, 1 में 0 माइनस होगा तो 1। अब आप क्या कर सकते हैं बताइए, अब इसमें इसको माइनस कर दीजिए, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, C1 में
सी टू को माइनस कर दीजिए, सी वन में लिख दीजिए। देखिए टू में वन माइनस कर देंगे वन, वन में वन माइनस कर देंगे जीरो, सी टू अनचेंज्ड रहेगा इज इक्वल टू, यहां पर भी करना है आपको ए, इसमें माइनस टू को माइनस करेंगे थ्री आएगा, जीरो में वन को माइनस करेंगे माइनस वन आएगा, माइनस टू और वन। इसके बाद अब क्या कर लेना चाहिए, C2 माइनस C1 कर लेना चाहिए, C2 माइनस C1 करेंगे चेंजेस टू C2, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको जरा ऐसे लिख देते हैं, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। देखिए बेटा C1 अनचेंज्ड रहेगा वन जीरो, इसमें इसको माइनस करिए जीरो, इसमें इसको माइनस करिए वन, ए सी वन अनचेंज्ड रहेगा थ्री माइनस वन, इसमें इसको माइनस करिए माइनस फाइव, इसमें इसको माइनस करिए प्लस टू। अब देखो बेटा ये आइडेंटिटी बन गया, और जैसे ही आइडेंटिटी बना ये क्या है फिर इनवर्स है, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू थ्री माइनस फाइव माइनस वन टू। बताइए ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको, आया तो अभी हमने कई क्वेश्चन देखो लगाए, तो क्या अब आपको लग रहा है कि अब आप कर सकते हो ये क्वेश्चंस? नहीं ऐसा लग पा रहा है, लग पा रहा है। एक सेवन नंबर और देखो करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा हुआ है थ्री वन फाइव टू, सेवन हम करेंगे, इसके बाद टू बाई टू वाले सारे आप करेंगे फिर, ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा? ओके, सेवन नंबर पे ये मैट्रिक्स दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू बाई टू। देखिए कैसे करेंगे, कौन से ऑपरेशन की बारी है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या एक बार एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एक बार एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना जरूरी है क्या, ऐसा कोई नियम है क्या? ऐसा कोई नियम तो है नहीं, ठीक है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं 50-50% ताकि क्वेश्चंस आपके इससे हो जाएंगे। हाँ बेटा, अच्छा सेवन नंबर पे थ्री वन फाइव टू, पता नहीं टू किसने लिख दिया, थ्री वन फाइव टू होना चाहिए यहां पे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर लो, ओके तो रो में चेंजेस करने हैं, रो ऑपरेशन के लिए क्या लिखना चाहिए बताइए, ए इज इक्वल टू, आइए ए की जगह पर हम लिखेंगे थ्री वन फाइव टू, आई की जगह पर वन जीरो जीरो वन, ओके। अच्छा आप देखिए फिर से, आई एम सॉरी इसमें ए लिखना चाहिए हमको, पता नहीं कौन छोड़ देता है यार ये लिखना, इसमें सॉल्व करने रो में ऑपरेशंस करने हमको। चलिए आप एक काम कर लेते हैं, हम लोग आर टू में आर वन माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम, यहां पर वन बन जाएगा ना, कुछ तो दिखना शुरू हो जाएगा आता हुआ, तो आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर वन, ओके यहां पर करिए। आर वन में तो कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, तो ये थ्री वन रहेगा, बट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फर्स्ट रो बाय सेकेंड रो, पांच में से तीन माइनस कर लो दो आ जाएगा, दो में से एक माइनस कर लो वन आ जाएगा, इज इक्वल टू वन जीरो, जीरो में वन माइनस करोगे माइनस वन, वन में से जीरो माइनस करेंगे तो वन मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हमें कुछ करना है, आर वन में आर टू माइनस कर दो, आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस आर टू, आर वन ये है उसमें आर टू माइनस करो, थ्री में से टू माइनस करेंगे वन, वन में से वन माइनस करेंगे जीरो, आर टू अनचेंज्ड रहेगी, इसमें आर वन माइनस आर टू करेंगे तो ये टू हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस और वन मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है। अब एक छोटा सा काम और कर दो, आर वन को डबल करो, जो कुछ है उसमें आर टू में माइनस कर दो,
आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस टू आर वन। बात समझ आ रही है आपको? आर वन को डबल करो, आर टू में माइनस कर दो। आर वन तो अनचेंज रहेगी ना, अब इसका डबल करके जब दो में माइनस करोगे तो जीरो आएगा, इसका डबल करके आर टू माइनस करोगे तो वन ही रहेगा। आर वन विल बी अनचेंज्ड। अब इसका दोगुना करेंगे चार, फिर माइनस एक में चार माइनस करेंगे, माइनस एक में माइनस करेंगे चार, कितना आ जाएगा? माइनस पांच। इसका डबल करिए कितना आएगा? माइनस टू। उसे वन में माइनस करिए तो वन में माइनस करेंगे माइनस टू, कितना बन जाएगा? थ्री मल्टीप्लाइड बाई ए। और देखो खेल खेल में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, और अगर ये आइडेंटिटी बन गई तो ये क्या है फिर? देयरफॉर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू टू माइनस वन माइनस फाइव थ्री। दिस विल बी अवर इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेवन। एंड आई होप कि अभी अगर ये आपको समझ आ रहा है तो टू बाई टू मैट्रिक्स में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आपने लगाया है और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है 14th नंबर तक में तो आप बता दीजिए, या आपको लगता है कि अब हम इसी प्रोसेस से अगर करेंगे तो काफी पहले के अपेक्षा ज्यादा अच्छा समझ गए हैं तो अब हम कर सकते हैं, ठीक है? आप करिएगा, नहीं आने पर आप हमें बताएंगे। तो देखिए अब बचे हुए क्वेश्चन 8 से लेकर 14 नंबर तक के जो क्वेश्चंस बचे हैं इन्हें आपको सॉल्व करना है। 2 बाई 2 की मैं बात कर रहा हूं मैट्रिक्स की, समझ पा रहे हैं आप? इन्हें आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा केवल वही मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आप लगा लीजिए इन्हें। और इसके बाद हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे? 3 बाई 3 मैट्रिक्स यानी कि 15 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है ऐसे जल्दी जल्दी मैं सब बता दूं तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है। नोट करिए जल्दी से,